कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ ये बहुत ही मज़े की रेसिपी लेके आई हूँ जिसकी बहुत डिमांड है आजकल, करेले गोश्त। करेले गोश्त अक्सर लोगों को नहीं पसंद होते, लेकिन आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, देन आपको करेले बहुत पसंद होंगे। तो ये देखें हमारे करेले गोश्त कितने मज़े के लग रहे हैं, ये देख सकते हैं आप। तो आज की ये रेसिपी बहुत हेल्पफुल होने वाली है आप सबके लिए। जो लोग करेले नहीं पसंद करते वो इस तरह से बनाएं तो बहुत मज़ा आएगा उनको। तो स्टार्ट की जाए रेसिपी। तो स्टार्ट करने से पहले मेरी आप सबसे एक ही रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर करना मत भूलिएगा, एंड बेल आइकन को ज़रूर क्लिक कीजिएगा ताकि मैं आपके साथ इस तरह की यम्मी एंड ईजी रेसिपी शेयर करती रहूँ। तो यहाँ पे हम पहले अपने इंग्रेडिएंट्स देख लेते हैं। यहाँ पे मैंने लिए हैं 4 प्याज, ये देखें इसको इस तरीके से काट लिया है। ये मैंने लिया है 1 किलो गोश्त इस तरह से, एंड ये मैंने लिया है कसूरी मेथी, गार्निशिंग के लिए ली है, ये देखें ये 1 टीस्पून मैंने कसूरी मेथी, एंड ये लिया है 2 टेबलस्पून ऑफ लहसुन अदरक का पेस्ट, एंड ये लिया है 1 कप दही, एंड ये है करेले, ये देखें इसको इस तरह से बारीक बारीक काट लिया है, और इनको 3 दफ़ा मैंने नमक लगा के अच्छे तरीके से साफ पानी से धो लिया है। इससे आपके करेलों में करवाहट नहीं आएगी, आपने ये प्रोसेस ज़रूर करना है वरना आपके करेले जो हैं वो उसमें करवाहट रह जाएगी और फिर उसको खाने का बिल्कुल मज़ा नहीं आएगा। एंड यहाँ पर लिया है 1/2 टी स्पून ऑफ गर्म मसाला, ये हमने गार्निशिंग के लिए लिया है, एंड ये लिया है 1/2 टी स्पून ऑफ ज़ीरा, ये भी गार्निशिंग के लिए, 1 लेमन गार्निशिंग के लिए, एंड ये लिए हैं 3 सब्ज मिर्चें, एंड ये लिए हैं 4 प्याज, इनको इस तरीके से काट लिया है, एंड ये है 1/2 टी स्पून ऑफ रेड चिली फ्लेक्स, एंड ये है 1 टी स्पून ऑफ सॉल्ट, सॉल्ट आप अपने टेस्ट के मुताबिक एडजस्ट कर सकते हैं, एंड ये लिया है 1/2 टी स्पून ऑफ कलवंजी, 1 टी स्पून ऑफ हल्दी पाउडर, एंड 1 टी स्पून ऑफ सूखा धनिया पाउडर, साबुत पाउडर, ये होममेड है, एंड मैंने ये लिया है ज़ीरा और लौंग और दालचीनी का टुकड़ा और साबुत गर्म मसाला इस तरह से, एंड ये है 1.5 टेबलस्पून ऑफ रेड चिली पाउडर, लाल मिर्चों का पाउडर। तो यहाँ पे देखें हमारे इंग्रेडिएंट जो हैं वो डन है। अब हम अपनी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। मैंने ले लिया एक देज की, उसमें देखिए इतना पानी ऐड कर दिया है आपने। अब हम इसमें अपना गोश्त ऐड कर देंगे, इससे जो है जो हमारी कुर्बानी की गोश्त की जो स्मेल होती है वो नहीं आएगी, एंड जो हमारा जो खाना जो बिल्कुल ब्लैक हो जाता है कुर्बानी का गोश्त, तो इससे वो नहीं होगा। तो अब हम इसमें गोश्त ऐड करेंगे, एंड आपने इसको कवर नहीं करना इसकी ताकि भाप जो है वो उड़ती रहे, ये बॉयल होता रहे अच्छे तरीके से। 10 से 15 मिनट हम हाई फ्लेम पर इसको बॉयल कर लेंगे। गोश्त हो रहा है, दूसरी तरफ हम मसाला रख लेते हैं। यहाँ पे हमने ले ली है एक कढ़ाई, अब हम उसमें ऐड कर देंगे 4 टेबलस्पून ऑफ ऑयल, कुकिंग ऑयल इस तरह से, देन अब हम इसको थोड़ा गर्म होने देंगे। अब हम इसमें ऐड कर देंगे 1/2 प्याज, 1/2 अब अभी ऐड करेंगे एंड 1/2 हम बाद में ऐड करेंगे। प्याज को हम अच्छे तरीके से लाइट ब्राउन कर लेंगे, वो अच्छे तरीके से सोते हो रहा है। अब हम इसमें ऐड कर देंगे अपने साबुत गरम मसाले, ज़ीरा, लौंग, दालचीनी का टुकड़ा इस तरह से, साबुत काली मिर्च, अब हम इसको मिक्स कर लेंगे। प्याज हमारा अच्छे तरीके से ब्राउन हो चुका है, अब हम इसमें ऐड कर देंगे अदरक लहसुन का पेस्ट, इसको 1-2 मिनट सोते कर लेंगे अच्छे तरीके से। अब हम अपने मसाले ऐड कर देंगे, हल्दी पाउडर, नमक, सूखा धनिया, कुटी हुई लाल मिर्च एंड रेड चिली पाउडर, इंग्रेडिएंट्स मैंने आपको पहले बताए थे वो सारे मसाले हम ऐड कर देंगे, मिक्स कर लेंगे इसको।
अब हम इसमें टमाटर ऐड कर देंगे। हम इसको अच्छे तरीके से भून लेंगे, 3 से 4 मिनट हम इसकी भुनाई कर लेंगे अच्छे तरीके से। हमने इसको अच्छे तरीके से के साथ भून लिया है। अब हम इसमें ऐड कर देंगे गोश्त जो हम बॉईल कर रहे थे, उसका टाइम हो चुका है, अब हम उसको ऐड कर देंगे। अब हम इसको 5 मिनट हाई फ्लेम पे अच्छे तरीके से भून लेंगे, इसकी भुनाई कर लेंगे हम। ये देखें इस तरह से, आप जितनी खाने की भुनाई करेंगे उतना खाना लजीज बनेगा। तो इसको अच्छे तरीके से भून लेंगे, गोश्त की अच्छे तरीके से भुनाई कर ली है। अब हम इसमें दही ऐड कर देंगे, मिक्स कर लेंगे। अब हम इसको 5 मिनट अच्छे तरीके से भून लेंगे ताकि दही का जो पानी है वो अच्छे से ड्राई हो जाए। पानी जो है मैंने खुशक कर लिया है, देखिए ऑयल जो है वो सेपरेट हो गया और मसाला आप देख सकते हैं। देखिए पहले मैंने टमाटर डाला, मसाले को अच्छे तरीके से भूना, फिर दही डाला अच्छे तरीके से भूना। अब जितना भूनेंगे सालन को तो आपका सब्जी हो या कुछ भी हो तो वो बहुत मज़े का बनेगा। तो आज जो हमारे करेले गोश्त हैं वो बहुत मज़े के बनने वाले हैं। तो ये देखें, अब हम इसमें 2 ग्लास पानी ऐड कर देंगे, जिसमें हमने मटन को बॉईल किया था वही पानी मैंने ले लिया है। उसको हमने एक स्ट्रेनर की हेल्प से स्ट्रेन कर लिया है, अब ये पानी साफ़ हो गया। अब हम इसके 2 ग्लास पानी ऐड कर देंगे, इससे जो है हमारे फ्लेवर जो है वो बहुत इन्हेंस होंगे इस पानी को ऐड करने से। ये देखें पानी हमने ऐड कर दिया है, वो जो मटन स्टॉक थी। अब हम इसमें ऐड कर देंगे 2 सबज मिर्चें। अब हम इसको दम पे रख देंगे आधे घंटे के लिए ताकि जो हमारा गोश्त है वो अच्छे तरीके से सॉफ्ट हो जाए। आधा घंटा हो चुका है और देखें हमारा जो पानी है वो बिल्कुल ड्राई हो गया, और मसाला देखें किस तरह से हो गया, और जो गोश्त है वो भी हमारा गल चुका है। अब हम करेले फ्राई कर लेंगे। हमने एक फ्राई पैन, इसमें हम ऐड कर देंगे 5 टेबलस्पून ऑफ ऑयल। अब ऑयल हमारा अच्छे से गर्म हो गया है, इसमें हम करेले ऐड कर देंगे। करेले को हमने अच्छे तरीके से फ्राई कर लेना है और लाइट ब्राउन सा कर देना है। देखिए आहिस्ता आहिस्ता इनका कलर जो है वो चेंज होने लग गया और ये लाइट ब्राउन होना शुरू हो गए। वो देखिए बहुत अच्छे से ब्राउन हो चुके हैं, इससे ज़्यादा आपने इनको ब्राउन नहीं करना। ये देखें अब मैंने इनको चूल्हे से हटा लिया है इस तरह से। यहाँ पे हमारा गोश्त रेडी है, अब हम इसमें करेले ऐड कर देंगे। एंड यहाँ पे मैंने ले लिया है वो 1/2 प्याज जो मैंने आपको पहले बताया था वो ऐड करेंगे। 1 टमाटर को इस तरीके से काट लिया है और 1-2 सबज मिर्चों को इस तरीके से काट लिया है। अब हम ये ऐड करेंगे एंड 1 लेमन ऐड करेंगे एंड सबको मिक्स कर लेंगे। ये देखें इस तरह से, ये देखें कितनी कलरफुल हांडी लग रही है हमारी, बहुत प्यारी लग रही है। अब हम इस सबको अच्छे तरीके से मिक्स करने के बाद 5 से 8 मिनट दम पे रख देंगे ताकि प्याज और टमाटर जो हैं वो भी अच्छे तरीके से सॉफ्ट हो जाए एंड हमारी जो करेले गोश्त हांडी है वो रेडी हो जाए। एंड दम पर जाने से पहले हम इसमें ऐड कर देंगे 1/2 जीरा एंड 1/2 गरम मसाला। देन अब ये दम पे जाने के लिए रेडी है, 5 से 8 मिनट हम इसको दम पे रख देंगे। यहाँ पे हमारा गोश्त रेडी है, अब हम इसमें करेले ऐड कर देंगे। एंड यहाँ पे मैंने ले लिया है वो 1/2 प्याज जो मैंने आपको पहले बताया था वो ऐड करेंगे। 1 टमाटर को इस तरीके से काट लिया है और 1-2 सबज मिर्चों को इस तरीके से काट लिया है। अब हम ये ऐड करेंगे एंड 1 लेमन ऐड करेंगे एंड अब हम इन सब चीज़ों को ऐड करके 5 से 8 मिनट दम पे रख देंगे। करेले जो हमने फ्राई किए हैं, प्याज, टमाटर और सब्ज़ मिर्ची,
वन लेमन जूस। लेमन जूस से आपके खाने में बहुत अच्छा जायका आता है एंड ये हमारे फ्लेवर्स को इन्हेंस करता है। अब हम इसको मिक्स कर लेंगे एंड 10 मिनट के लिए इसको दम पे रख देंगे ताकि प्याज और टमाटर अच्छे तरीके से सॉफ्ट हो जाए। देखिए हमारे जो करेले गोश्त हैं वो रेडी हैं, दम से उतर चुके हैं। ये देखिए मैंने इसको सर्व कर लिया है। अब हम इस पे ऐड कर देंगे कसूरी मेथी, इससे हमारे खाने में बहुत अच्छी खुशबू आती है। गरम मसाला एंड जीरा ऐड कर देंगे, सबन मिर्चे। ये चीज़ें आपके खाने की जो टेस्ट होता है उसको बहुत इन्हेंस कर देते हैं, बहुत मज़ा आता है खाने खाने का। ये देखिए कितना प्यारा लग रहा है। सो फ्रेंड्स, कैसी लगी आज की आपको मेरी रेसिपी करेले गोश्त की? आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, इससे आपके करेले बहुत मज़े के बनेंगे। एंड जो लोग करेले नहीं पसंद करते उनको करवाहट फील होती है, कोरे फील होते हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, करेले बहुत मज़े के होते हैं। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें। ये देखें इस तरह से बहुत मज़े की रेसिपी, मेरी तो फेवरेट रेसिपी है करेले गोश्त।